प्रातः शासकीय अस्पताल रामपुरा में एक महिला की मौत हो गई, जिसके पश्चात परिजनों व ग्रामीण जनों ने अस्पताल की नर्स व स्टाफ पर आरोप लगाते हुए विरोध किया एवं स्थानीय बस स्टैंड पर चक्का जाम किया। आक्रोशित परिजनों का यह आरोप था कि महिला की मृत्यु नर्स व स्टाफ की लापरवाही से हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाँव अमरपुरा निवासी विद्याबाई पति सत्यनारायण धनगर उम्र 22 वर्ष की डिलीवरी के लिए कल रात 11 बजे शासकीय अस्पताल लाए थे, जहां आज प्रातः महिला की डिलीवरी के दौरान शिशु मृत पाया गया और उसके बाद से ही महिला की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ देर पश्चात महिला की मौत हो गई। इस संबंध में डॉक्टर उमेश बसेर ने बताया कि महिला की मौत का मामला संज्ञान में है, मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, जाँच के दौरान जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। इस संबंध में रामपुरा थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि महिला के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है जिसकी जाँच की जा रही है। लापरवाही बरतने वाले स्टाफ व नर्स को तत्काल बर्खास्त करने को लेकर परिजनों एवं ग्रामीण जनों ने लगभग बस स्टैंड पर एक घंटे तक चक्का जाम किया। मौके पर तहसीलदार रामपुरा बीएल डाबी व थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह चौहान ने समझाइश देकर परिजनों को समझाया। पश्चात एसडीएम आकांक्षा करोटिया, एसडीओपी संजीव भुले भी शासकीय अस्पताल पहुँचे व घटनाक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी ली, जहां मृतक महिला को पोस्टमार्टम के लिए नीमच भेजा गया। कुल मिलाकर नगर के गणमान्य नागरिकों का यह कहना था कि कहीं न कहीं अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की कमी के कारण अधिकांश घटनाएं हो रही हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रामपुरा से रुपेश सारू की रिपोर्ट।